नमस्कार दोस्तों, हम ये हमारी मूंगफली निकाल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मूंगफली हमने निकाली। पहले चलो ट्रैक्टर लेने के लिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये ट्रैक्टर के पीछे रखने के लिए जो पोल आता है ना, जीबी का वो पोल है, क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा चाहिए था तो हमें पुल उठाते हैं। वो बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत वजनदार है, लेकिन वो साचा है ना, वो बाहर के हैं तो वो बोल रहे थे कि हम संजीव भाई नहीं उठा सकते, तो मुझे अकेले को ये उठाना पड़ा और बहुत वजन था, बहुत भारी था, लेकिन और कोई था नहीं तो हमें उठाना पड़ा। चलो हम इसको अपने ट्रैक्टर के पीछे ये कलम है और कलम के पीछे लगा देते हैं, जो मूंगफली ज़मीन में से बाहर निकालने के लिए ये ट्रैक्टर को चलाना पड़ता है। और ट्रैक्टर के पीछे एक लोखंड का राप लगी हुई होती है, तो उस राप ज़मीन के अंदर जाती है ज़्यादा वजन के कारण, और हम ट्रैक्टर चलाएंगे। आप आगे हमारे साथ जुड़े रहिए कि हम किस तरह से ट्रैक्टर चलाते हैं और किस तरह से हमारा काम आसान होता है। पहले हमने छोटा वो थांबला रखा था, छोटा पोल रखा था पहले, जो कम वज़न का था। अब हमें थोड़ा ज़्यादा वज़न है और धूप भी बहुत है, और ये लगाना तो था हमें, तो अकेले अकेले बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, बहुत मेहनत करना पड़ा और वज़न भी बहुत ज़्यादा था इसमें। तो हम अभी पोल लगा रहे थे, जो सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ ये थांबला है, इसे हम वैसे तो पोल बोलते हैं, जो सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ है। वो अकेले अकेले बहुत दिक्कत आई, लेकिन आखिर हो ही गया काम हमारा। और चलो चलते हैं खेत में। देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं खेत में और खेत में चला रहे ट्रैक्टर। ये हमारी मूंगफली है, जो गुजरात जीजे 32 बोलते हैं इसको। देखिए हम किस तरह से चलाते हैं, पूरा दिखाएंगे और किस तरह से मूंगफली आती है और मूंगफली निकालने में किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो सब कुछ आपको इसमें हम दिखाएंगे। आज देखिए दोस्तों, हम ट्रैक्टर चला रहे हैं और मूंगफली नीचे दब ज़मीन के नीचे से बाहर निकलती जा रही है, यानी बहुत जो मिट्टी थी वो बहुत जकड़ी हुई थी, यानी बहुत दबी हुई थी। तो ट्रैक्टर गुजरात में हम चलाते हैं और मूंगफली को बाहर निकालते हैं, और बाद में मैं आगे दिखाता हूँ उसको किस तरह से करते हैं। पहले आप देख सकते हो हम किस तरह से ट्रैक्टर चला रहे हैं। दादा ये साथ पीछे बैठ के मूंगफली कोई अपने पीछे के साथी के साथ घुस जाती है, जो चलने में दिक्कत होता है चलाने में, तो ये निकल रहे हैं। देखिए इस तरह से उसको नीचे साफ करना पड़ता है, साफ करने के बाद हम चलाने वाले हैं फिर से। उसको ज़्यादा वजन की ज़रूरत थी हमें, तो साचा को भी बैठा लिया पीछे, फिर भी थोड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि बहुत मिट्टी बहुत जकड़न थी, काली वाली मिट्टी थी, तो काली वाली मिट्टी में ज़्यादा जकड़न होती है। वो बिना ट्रैक्टर चलाए हुए हम निकलते हैं ना, तो जो मूंगफली है वो ज़मीन के अंदर ही रह जाती है और उसका पौधा ही हमारे हाथ में आता है, वो मूंगफली नहीं आती, इसलिए हमें ट्रैक्टर मजबूरन चलाना पड़ता है।
और हमारा काम भी आसान हो जाता है, ताकि जल्द से जल्द मूंगफली सब इकट्ठी हो जाए और हम ये मूंगफली निकालने के बाद यहाँ भी हम प्याज लगाने वाले हैं, क्योंकि इस साल प्याज का रेट कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा ऐसा मानना है हमारा। इसलिए मूंगफली निकालने के बाद भी इस जगह पे भी प्याज लगाने वाले हैं। ये हमारा ही ट्रैक्टर है, हमारे पास दो ट्रैक्टर है और एक छोटा ट्रैक्टर है, एक बड़ा ट्रैक्टर है, तो खुद का ही ट्रैक्टर है और भी खेत में चला रहे हो अच्छी तरह से। आप लोगों को मेरा ब्लॉग, मेरे चैनल सही लगे, और किसान के चैनल है तो हम और आपको किसानी किस तरह से होती है, किसान के सामने कौन कौन से कब को प्रॉब्लम कौन सा आता है, वो सब कुछ दिखाने वाले हैं अपने ब्लॉग में धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ में तो हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो हमारा काम होता है वो हर दिन अलग अलग होता है, जो बहुत मेहनत वाला, बहुत परेशान करने वाला होता है, तो हम एक साथ तो कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए एक साथ कोई काम हम नहीं आपको बता सकते, दिखा सकते, तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम दिखाते रहेंगे। चलो अब ये मूंगफली निकाल रहे हैं, पहले ट्रैक्टर चलाया, ट्रैक्टर चलाने के बाद ये काम बहुत आसान हो जाता है मूंगफली निकालने का, सिर्फ उसको इकट्ठा ही करना रहता है, और जो ट्रैक्टर नहीं चलाया होता तो बहुत दिक्कत होती, उसको खींच के निकालना पड़ता, तो जो हमने हमारे हाथ होते हैं उसकी उंगलियां में, नाखून में बहुत प्रॉब्लम हो आ जाता है, क्योंकि वो खींचते खींचते तो पूरा दिन कितना खींच सकते हैं, ये काम बहुत आसान हो जाता है। देखिए इस तरह से हम निकल रहे हैं और बहुत आसान काम हो जाता है। और कितनी मूंगफली लगी हुई आपको दिखाता हूँ मैं, कि हमारे ये मूंगफली के पौधे में कितनी मूंगफली लगी, बहुत अच्छी है पैदावार इसकी, देखिए आप, हम आपको पूरा पूरी तरह से निकाल के दिखाते हैं। देखिए बहुत अच्छी बढ़िया मूंगफली हमारे खेत में लगी हुई थी और पौधे पे भी अच्छी मूंगफली आई, और उसका रेट भी अभी तो बढ़िया चल रहा है, तो जल्द देखिए बहुत अच्छी मूंगफली हुई है खेत में, अभी इस साल तो इसका रेट भी बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ कि हम किसानों को आज हमने ये ट्रैक्टर चला दिया तो अब कल पूरे दिन इसको इस तरह से जब साफ करना है हमें और इकट्ठा करना है। देखिए हम किस तरह से इकट्ठा करते हैं वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखिए दोस्तों इस तरह से हम इसको, देखिए फाल बहुत है, बहुत मूंगफली लगी हुई है पौधे पे, वो उसको हम गुजरात में जीजे 32 बोलते हैं, इसका नाम है, इस मूंगफली का नाम, जो अच्छी पैदावार देते हैं हमें, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक पौधे में कम से कम 80 से 90, 100, 120 इस तरह की मूंगफली लगी हुई है और पैदावार भी बहुत ज़्यादा है। देखिए एक मूंगफली मूंगफली है सब में, बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया मूंगफली है। आपको हमारी चैनल, हमारा काम, हमारी किसानी का काम अगर पसंद आया है तो हमारी चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और देखिए दोस्तों किस तरह का मूंगफली लगा हुआ है, किस तरह से। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि
क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम है, देखिए हम किस तरह से उसको खींचते हैं। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सब का दिन बहुत बढ़िया रहे, आप लोग खुश रहो। गुड नाइट, बाय।